यूपी के हरदोई जिले के संडीला कस्बे में लगने वाले ऐतिहासिक झंडा मेले ने समाज में सौहार्द की मिसाल कायम की है। गंगा जमुनी तहजीब को अपने आप में समेटे इस मेले में सभी समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंगलवार को शुरू हुए इस मेले में देश भर से लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए, वहीं मुहर्रम का जुलूस भी एक साथ निकला। इसको लेकर पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए थे और अधिकारी नजर लगाए रहे। बताया जाता है कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान जब हिंदुओं को अपने धार्मिक कार्यक्रमों को संचालित करना कठिन हो रहा था, तो उस समय स्थानीय लोगों ने यहां धार्मिक कार्यक्रमों का संचालन किया। मेले में आने वाले लोगों को उनके ठहरने का इंतजाम और चंदे की व्यवस्था मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा की गई है। इसके बाद से आज तक लोग इस परंपरा का निर्वहन करते चले आ रहे हैं। इस ऐतिहासिक मेले में प्रदेश के तमाम जिलों के लोग झंडा लेकर आते हैं और इकट्ठा होकर शहर में हनुमान यात्रा और पालकी निकालते हैं। हिंदुओं की आस्था से जुड़े इस धार्मिक मेले को सफल बनाने के लिए स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोग मेले में आने वाले लोगों को सहयोग करते हैं। मेले के लिए लाइट की व्यवस्था और आगंतुकों के लिए पानी और उनके ठहरने की व्यवस्था भी मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं। मेले में आने वाले दुकानदारों को मुस्लिम समुदाय के लोग दुकानें लगाने के लिए जगह भी देते हैं। मुहर्रम और झंडा मेले को लेकर प्रशासन ने भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा लगा हुआ है। आने जाने वालों पर ड्रोन से नजर रखी जाती है ताकि किसी भी प्रकार की ऐसी घटना ना हो जिससे लोगों को परेशानी हो। आज मुहर्रम का जुलूस भी निकल रहा है और महावीर झंडा मेला भी निकल रहा है। इसके लिए दोनों पक्षों की मीटिंग करके पूर्व में ही समय निर्धारित करा दिया गया है और कब कौन कहां से पार करेगा ये सारी चीज़ें लिखा पढ़ी में है। सब लोग दोनों पक्ष सहमत हैं और यहां पर पूरे ज़िले से फोर्स बुला ली गई है और चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात कर दी गई है। हम लोग प्रत्येक घटना पर प्रत्येक कदम पर हम लोग नज़र रखे हुए हैं और शांतिपूर्ण दोनों जुलूस निकलेंगे, इसकी हम लोगों ने चाक्षुष तैयारी कर ली। आज हम लोग की महावीर झंडा मेला संतोष कुमार हनुमान जी का झंडा मेला है, जिसके आज सुबह 8 बजे से पूजा प्रारंभ हो गई। विधि विधान से हनुमान जी की झंडों की रामधन की सारी पूजा यहाँ पर प्रारंभ की गई, जो तो लगभग 4-5 घंटे का कार्यक्रम यहाँ पर चला है। अब यहाँ से शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो यहाँ से नगर के प्रमुख पास में सबसे पहले हम लोग यहाँ से शीतला मंदिर से मंगल बाजार होते हुए शोराकोटी पहुँचेंगे और शोराकोटी पहुँचने के बाद मुरारेश्वर मंदिर और मुरारेश्वर मंदिर के बाद हम लोग घंटा विश्राम करने के बाद पुलिस चौकी के बाद फिर हम लोग रानी जी का शिवाला, रानी जी के शिवाले के बाद कुदड़ी, मैथाना दरगाह रोड, हनुमान जी के मंदिर होते हुए छोटा चौरा होते हुए इमीलियाबा पहुँचेंगे, जहाँ पर 7 बजे से विशाल शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्ग से होते हुए निकलते हुए बस स्टैंड पहुँचेगी। वहाँ से वापसी होते हुए पुरानी स्टेट बैंक गली होते हुए महावीर जी के मंदिर में रात में इसका समापन होगा। इसका इतिहास क्या है, ये झंडे मेले का, महावीर झंडे मेले का और शोभा यात्रा का इतिहास क्या है? इतिहास यह है कि ये अंग्रेजों के जमाने का मेला है। हमारे पूर्व में अंग्रेज लोगों ने बहुत हम लोगों पर अत्याचार किया था, यहाँ के क्षेत्र की जनता ने, यहाँ के लोगों ने झंडे के रूप में या इसको प्रारंभ किया, जिसको अंग्रेजों ने रोकने का प्रयास किया। कहा जाता है कि जिस अंग्रेज ने रोकने का प्रयास किया था उसके घर में कोई बीमार हो गया, जब उसने हनुमान जी के मंदिर में आकर यहाँ से क्षमा मांगी और उसके बाद उनके घर का लड़का ठीक हुआ। और तब से ये है कि अंग्रेजों ने भी इसको रोकने का प्रयास नहीं किया और बराबर जब से कहते हिंदुस्तान आज़ादी के पहले से है और आज तक झंडा मेला सकुशल विधि विधान से शासन और प्रशासन की देखरेख में निकलता चला आ रहा है। कौमी एकता के लिहाज से इसका क्या महत्व है? कौमी एकता के हिसाब से ये हिंदू मुस्लिम दोनों की गंगा जमुना तहजीब का मेला है। हिंदू मुसलमान दोनों लोग मिल करके इस मेले को मनाते हैं। हमारे यहाँ जो झंडा मेन झंडा है हनुमान जी का, उसको मुस्लिम समाज के लोगों ने ही बनाया है। जितने अन्य झंडे भी हैं वो भी मुस्लिम समाज के लोगों ने बनाए हैं। शोभा यात्रा का मुस्लिम समुदाय के लोग मिल करके बहुत जोरदार ढंग से स्वागत करते हैं, माल्य अर्पण करते हैं और पानी पिलाते हैं और हमको झंडा मेला में सब लोग चंदा भी देते हैं, शारीरिक आर्थिक रूप से मदद भी करते हैं झंडा मेला में। ये एक संडीला का इतिहास है, हम दोनों के हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एकता का प्रतीक है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।